Hey there, I am Manthan Dalmia. I have secured an AR100 in GE Advanced 2020. While syllabus completion and repeated revision is a must for every aspirant, but what makes for you and breaks out for you is the strategy for both exam day and the day before the exam and how you attempt the paper. Today, I am here to make you understand what was my strategy during the exam day and how I prepare my final day before the exam. Night before the exam. Well, I traveled to the city where I have to give the exam one day before the actual date of the exam. There I live in my relative houses, and then us din hum log jyada revision nahi kar rahe the, but still I have a short notes with my containing all the formulas that I usually forget. So I kept revising that only, and I don't try any new things. Aisa nahi kiya tha maine ki main naya cheez ko dekhne gaya to naya paper naya question solve karne gaya, and I didn't solve any questions though. And especially all those questions which are new to me. So night day mein before that basically aapko kai baar aisa hota hai ki ek din pehle neend nahi aati raat ko, so wo bahut sare logo ke sath hota hai, and usually mere sath bhi hua tha. So uske liye aap ek din ke liye koi se night pill le sakte hain, ya to aap din mein na sona us din, kyunki raat ko fir neend nahi aayega exam ke ek din pehle. So neend bahut zaruri hai exam ke ek din pehle, and usually zyada pehle zyada early mat uth jana exam ke din mein. यूजअली कुछ टाइम का गैप रखना, ज़्यादा जल्दी उठने से आप लेज़ी फील करेंगे, सो आप प्रॉपर टाइम में सो जाना, एंड जितना लंबा टाइम आप ले सके सोने के लिए उतना लीजिएगा. एंड रात को कुछ हैवी मत खाना, क्योंकि उससे मतलब माइंड में इम्पेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली. एंड ब्रेकफास्ट के दिन में भी जिस दिन एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम से पहले हैवी बिल्कुल मत खाना, जस्ट नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेना. सो टॉकिंग अबाउट द फियर आई एक्सपीरियंस इन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम वॉज दैट कि कल पेपर में वो टॉपिक आ गया जो मेरा वीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं. आई मीन वो क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा कि या तो मैं अटेम्प्ट करूँगा, या फिजिक्स टफ आएगा कि मैथ टफ आएगा, कि सेकंड पेपर कैसा जाएगा, रिजल्ट क्या आएंगे, बाकी बच्चे कैसे करेंगे. सो दिस वॉज बेसिकली द फियर. सो वन थिंग यू कैन डू टू ओवरकम दिस इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. ऑब्वियसली आई मीन देर इज़ नो अदर थिंग दैट यू कैन स्टॉप अबाउट दिस. सो जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, जस्ट बी रिलैक्स, एंड कल के लिए बस रेडी रहना. आई मीन बहुत फ्री, मतलब जितना फ्री रह सकते हो उस दिन उतना फ्री रहना. यस, मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम डे. सो स्पेसिफिकली थिंग्स टू डू इन द मॉर्निंग इज दैट कि तुम एक तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट लाइट खाना. मैंने तो पोहा खाया था, आई मीन बहुत कम क्वांटिटी में, सो यू कैन डू वॉट एवर यू प्रीफर, बट लाइट होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज कि प्लीज़ जीन्स वगैरह मत पहना, टाइट जीन्स और शर्ट्स वगैरह, जस्ट पुट ऑन अ टी शर्ट एंड लोअर, और जस्ट नॉट और शूज़ भी मत पहनना, क्योंकि एग्ज़ाम के देते समय तुमको बहुत स्वेटिंग होती है, और एग्ज़ाम सेंटर में यूजुअली एसीज़ नहीं होते, तो पैर में शूज़ पहनने से बहुत पैर में स्वेटिंग होती है एंड बहुत अनकंफर्टेबल होता है. तो जस्ट पुट ऑन ए नॉर्मल सैंडल और चप्पल. सो क्योंकि तुमको एग्ज़ाम सेंटर में निकाल देना उसको, तो बहुत कम्फर्टेबल फील होता है. एंड अदर थिंग्स आर कि एक घंटा डेढ़ घंटा पहले ज़रूर पहुँचना, क्योंकि बहुत बार कुछ दिक्कत होती है, जैसे तुम एडमिट कार्ड लाना भूल गए, तो तुम एक घंटा का टाइम गैप रखना ताकि तुम ये सब चीज़ें सॉल्व कर सको. और अगर कोई तुमको लिफ्ट करने जा रहा है एग्ज़ाम में, सो प्लीज़ उसको जब तक तुम लास्ट तक पहुंच नहीं जाते सेंटर के अंदर, तब तक उसको बाहर रोके रहना. आई मीन तुम अगर ऑटो में जा रहे हो तो ऑटो वाले को बोल के रखना कि प्लीज़ 15 मिनट वेट कीजिए, ताकि तुम अगर आधे घंटे में कोई दिक्कत आए वहाँ के 15 मिनट में, तो तुम उसी ऑटो वाले से सॉल्व आउट कर सकते हो. ये सब दिक्कत बहुत आती है. एंड जस्ट एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वेल प्रिपेयर रख लेना, एंड चेक कर लेना उसको क्रॉस चेक मॉर्निंग में. रीचिंग द सेंटर. सो मैंने डेढ़ घंटा पहले शायद सेंटर के लिए निकल गया था मैं अपने घर से. यूजुअली माई सेंटर वॉज आई गेस हाफ आवर फार अवे फ्रॉम माई होम वेर आई यूजअली स्टे इन द रायपुर. सो मेरे साथ मेरे भैया गए थे एंड वी वेर इन अ कैब. सो एक ऑब्वियसली मैंने कार में कुछ ना फॉर्मूला वगैरह देखा, जस्ट नॉर्मल सा आँख बंद करके मैं कार में बैठा था. बट मेरे भैया ने मेरे को बस एक यूट्यूब में ऐसे नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियोज़ जो टीचर्स थे, मतलब जो हमारे कोटा के टीचर्स थे, उन्होंने हमको एक दिन पहले ऑडियो मैसेज भेजा था कि अच्छे से प्रिपेयर करना. तो मेरे भैया ने जाम उसके वापस सुनाया उसको मैसेज को, ताकि मेरे को मोटिवेट फील हो एंड थोड़ा हैप्पीनेस हो. सो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. अगर आप भी अपने गाइडेंस को ले जाएं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि कुछ ऐसा करें, तो उससे बहुत अलग मोटिवेशन मिलता है अपने टीचर्स के वर्ड सुनना एग्ज़ाम डे के जस्ट पहले, एग्ज़ाम के देने से पहले. जैसे मैं सेंटर पहुँचा, सो मैं सेंटर पहले देखा नहीं था पिछले दिन, क्योंकि मैं जस्ट पिछले दिन ही रायपुर आया था अपने होम टाउन से, और मेरा सेंटर बहुत दूर था, तो मैं सेंटर पहली बार देख रहा था. सो ये मैटर कम करता है, बट अगर आपके पास सुविधा है कि आप सेंटर देख सकते हैं पहले से, तो देख लीजिए, एंड उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए कि कितना देर पहले निकलना पड़ेगा, ट्रैफिक है कि नहीं आपके रोड में. सो वो सब प्रिपेयर करके रखिएगा.
आफ्टर दैट जब सेंटर पहुँच जाते हैं हम, सो वहाँ पे क्राउडेड रहता है कुछ कुछ सेंटर्स में, कुछ कुछ सेंटर्स में कुछ फैसिलिटीज़ डिफर करती है, बट जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ रहती है, वाटर, वाशरूम वगैरह, वो रहते हैं। सो आप और हो सके तो डिस्कस बिल्कुल मत करिएगा कि एग्ज़ाम से पहले कि ये फार्मूला कैसे है, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो जस्ट मतलब भूल जाइएगा एग्ज़ाम में क्या आने वाला है एग्ज़ाम देने से पहले। और जब आप सेंटर में हेड करते हैं तो यूजुअली आउटगेट के बाहर ही गाइडेंस को छोड़ देते हैं, उसके अंदर अलाउ नहीं होता। सो आप उनसे जितना मिलना मिल लीजिएगा, एंड वाटर बॉटल एंड मार्क्स वगैरह आजकल चल रहे हैं तो मार्क्स वगैरह कैरी करिएगा। एंड जस्ट मेक श्योर कि तुमने एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड एंड पेन, पेन भी वो प्रोवाइड करते हैं सेंटर्स में, तो मेक श्योर कि तुम एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल एंड आधार कार्ड अपने साथ लेके जा रहे हो। उसके बाद जब तुम सेंटर में पहुँचते हो, यूजुअली एक लाइन होती है बिफोर द रूम, सबको रूम अलॉट होता है, तो वो सब भी चेक कर लेना कि कौन सा रूम तुमको अलॉट हुआ है एग्ज़ाम के लिए। देन एग्ज़ाम में पहुँचते हो, तुम बैठते हो, थोड़ी देर तो बैठे रहते हो। और एक चीज़ दिक्कत ये होती है कि एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन हो रहे, तो कंप्यूटर की हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो कंप्यूटर सेंटर रहता है तो CPU की हीटिंग बहुत, बहुत अनकम्फर्टेबल स्टार्टिंग में फील होती है। सो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो ये मान के चलना गर्मी रहेगी वहाँ पे, तो मतलब एनवायरनमेंट वहाँ का गर्म रहेगा, एंड स्पेशली जो CPU की गर्म हीटिंग एंड CPU के थोड़े जो नॉइजेस होते हैं वो भी रहेंगे। सो उतना मत एक्सपेक्ट करना कि तुमको घर जैसा एकदम साइलेंस मॉल मिलेगा, तो उस हिसाब से तुम प्रिपेयर भी करना अपने पेपर्स लोग। यस, गेटिंग द क्वेश्चन पेपर। तो जब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में मेरा क्वेश्चन पेपर पॉपअप हुआ, तो मेरे केस में फिजिक्स पहले आया था, सो आई हैव टू नेविगेट टू द केमिस्ट्री सेक्शन बिकॉज मैं केमिस्ट्री पहले करता था। और ये सबके में डिफर करता है कि किसके में केमिस्ट्री पहले आता है, किसी के में फिजिक्स। सो मैंने फिजिक्स और मैथ्स में क्या क्वेश्चन आए थे जस्ट लुक भी नहीं किया, जस्ट मैं डायरेक्ट केमिस्ट्री में गया, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अगर क्वेश्चंस को देख लूँ या तो डायग्राम को ऐसे देख लूँ तो मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ। तो ये सब डिफर करता है अपने ऊपर। सो तुम जिस पार्ट में कंफर्टेबल हो उसी पार्ट में डायरेक्ट नेविगेट कर लेना। एंड बहुत लोग करते हैं कि कोई क्वेश्चन पेपर पूरा देखता है एक साथ, बट मेरे को ये पसंद नहीं क्योंकि उसमें एक दो मिनट वेस्ट हो जाते हैं। सो वो अपने ऊपर है, बट आई डिडंट प्रेफर दैट कि मैं एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा देख लूँ। आई डायरेक्टली हेडेड टुवर्ड्स द केमिस्ट्री सेक्शन। पेपर आइडेंटिटी स्ट्रेटेजी। सो अभी मैं केमिस्ट्री सेक्शन में हूँ, एंड I guess this was exactly the paper I got. I mean, the order was also same. So first question is from periodic table, and this is pretty common question. So many questions solved kiya tha and directly headed towards ho gaya tha. So this was the easy question, and the second question was also easy. I mean, there is nothing much different. Third question is just normal redox reaction. Fourth question is of redox and ionic equilibrium. So मेरा थोड़ा वीक था, सो आई गेस मैंने इसको स्किप किया था एक बार के लिए। आई मीन मैं पहले ये दोनों करने गया था, फिर फोर्थ पे आया था। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वीक। सो मैंने ये क्वेश्चन भी एक बार स्किप किया था, एंड इसको मेरे को याद है मैंने इसको लास्ट में किया था। लास्ट के 3 घंटा के लास्ट में किया था। सो आफ्टर दैट दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस थे मेरे, सीट्स वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह में, और जो मैं टेस्ट देता था। सो इंटीजर टाइप केमिस्ट्री पेपर वन तो ईजी किया था। आफ्टर दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिस वॉज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन है कोटा के सीट्स और मॉड्यूल्स में। आफ्टर दैट दिस वन इज़ ऑल्सो एन ईजी एंड नॉर्मल क्वेश्चन। आफ्टर दैट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ये क्वेश्चन में मेटलर्जी के रिएक्शन तुमको याद रखने थे, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, सो मेरे को याद था। सो मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था, बट आई गेस मेरे को पार्शियल मार्क मिला था, कोई से एक ऑप्शन में मैं कन्फर्म नहीं था। सो अगर आप भी अगर कन्फर्म नहीं है तो पार्शियल मार्क लेके आप जस्ट स्किप कर सकते हैं, मेरे को इसमें पार्शियल मार्क मिला था। सो ये अभी इंटीजर टाइप केमिस्ट्री था, डेसिमल था, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन थे ये, जैसे ये वाला इसमें टाइम गया था, एंड मेरे कुछ इजी टॉपिक्स जो थे मैंने उसको पहले कर लिया था, बट और जो मैंने ऊपर आपको बताया जो स्किप कर रखे थे उसको मैंने केमिस्ट्री के एंड में ही कर लिया था सॉल्व। यस, सो उसके बाद मैंने फिजिक्स का पेपर खोला था। सो आप सभी जानते हैं जैसे 2020 में फिजिक्स टफ आया था बहुत ज़्यादा ही, एंड फिजिक्स का पेपर खुलते साथ, और ये क्वेश्चन में कॉन्ट्रोवर्सी थी, तो ये क्वेश्चन गलत था, इसके आंसर गलत थे। सो एग्ज़ाम के टाइम में मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मतलब पता चल रहा था कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने जस्ट जो नॉर्मल सा आंसर आ रहा है, जितना एक दो मिनट में आंसर निकल सकता था, वो सॉल्व करके मैं निकल गया था इस क्वेश्चन से। एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो प्रीटी गुड। सो ये वाला मैंने ट्राई करके आंसर निकाला था, एंड ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा बट आंसर आ गया था। यस, सो दिस इंटीजर क्वेश्चन वेर वेरी गुड। दिस वॉज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन।
टाइम टेकिंग था बट नॉर्मल क्वेश्चन था. ओके एंड दिस मतलब ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं था एग्जाम के दिन में, सो ये मैंने स्किप किया था 6th नंबर. आफ्टर दैट अच्छा तो ये क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं 7th नंबर मल्टीपल चॉइस. ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी नहीं किया था और ऑप्शन में टिक मार लिया था, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ओमेगा जीरो बैठाने से आपको पता है 3H/4 आता है, और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है अपने सीट्स मॉड्यूल से तो एक्सप्रेशन इसी टाइप की बनती है. तो आप खाली ओमेगा जीरो बैठा के एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं और आर इक्वल आर आप पहले निकाल सकते हैं. सो इसमें मैंने टाइम कंज्यूम कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं किया था. एंड ये वाला भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, दिस ये सब कॉमन क्वेश्चन हैं. आफ्टर दैट या मतलब फिजिक्स टफ था, लेंदी था थोड़ा, बट अच्छा था पेपर, बहुत बहुत नया पेपर आया था. एंड दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्शन, जो यूजुअली पढ़ाते नहीं हैं कोचिंग्स में, एंड क्वेश्चन आ गया था. सो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं था मेरे कॉन्सेप्ट पे म्यूचुअल इंडक्शन के. यस सो फिजिक्स में जो कुछ कुछ नंबर्स थे जो बहुत टफ थे, सो मैंने उसको पहले बार में अटैम्प्ट नहीं किया था, उसको मैंने मैथ्स करने के बाद लास्ट में अटैम्प्ट किया. तो अभी हम मैथ्स में आ जाते हैं. ओके सो मैथ्स या ओके सो मैथ्स में पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से, एंड ये क्वेश्चंस पिछले साल जेई में आ चुके इस टाइप के क्वेश्चंस, तो अच्छे क्वेश्चंस थे. तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो ये तुमसे बन जाना चाहिए. बस जस्ट आई गेस सम ट्विस्ट था इसमें कि ये पार्ट तुमको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है. एंड अदर क्वेश्चंस आर गुड गुड एंड दिस क्वेश्चंस आर आल्सो इजी एंड दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो इजी. आई मीन जस्ट अ कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है. मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं कि मैंने कौन सा छोड़ा था, बट यस दिस नंबर मैंने ये नंबर छोड़ा था क्योंकि थोड़ा लंबा जा रहा था मेरा. मैंने ट्राई किया था बट ये लंबा जा रहा था बोल के एक बार के लिए छोड़ के आया था मैं. एंड मैंने कोई सा भी ऑप्शन टेक नहीं किया था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी इसमें. आफ्टर दैट डेसिमल पार्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन ईजी था. ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने सीट्स और मॉड्यूल में सॉल्व कर रखे थे और ये क्वेश्चंस भी इजी थे, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस थे. इंटीग्रेशन का भी इजी ही आया था. आफ्टर दैट दिस वाज आई गेस इट वाज अ गुड प्रॉब्लम. आई मीन ये अच्छा क्वेश्चन था बट ये टाइम ज़्यादा था बोल के मैंने इसको भी लास्ट में किया था. एंड अभी जैसे मैंने बताया आपको मैथ्स के बाद मैथ्स में मैंने जो नंबर किए थे और जो केमिस्ट्री में मेरे छूटे थे, जैसे कि केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक के जो लंबे लंबे रिएक्शंस थे वो छोड़ रखे थे, तो मैं उसको फिर मैथ्स करने के बाद सॉल्व करा. और फिजिक्स में जो नंबर जिसके बारे में मैं कंफर्म नहीं था, जैसे कि मैंने वो अगर आपका टाइम बच रहा है बट आपने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे आपने बिना सॉल्व करी ऑप्शन क्लिक किया, जैसे कि मैंने ये ओमेगा इक्वल टू जीरो पे बैठा दिया था एक बार के लिए. सो मैं एक बार मेरे पास टाइम बचा था क्योंकि लास्ट में, और मेरे को पता था जो हार्ड नंबर मैं वो छोड़ने वाला हूँ एक बार के लिए, सो मैं ओमेगा वाला क्रॉस चेक कर लिया. एंड यस दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर. फिनिशिंग द पेपर, जैसे मैंने सबमिट बटन दबाया ऑब्वियसली सब टेंशन तो दूर हो गया क्योंकि सबमिट बटन दबा चुके हो आप, तो अब कोई फ़ायदा नहीं कि सोच के कि क्या कैसे का पेपर. तो बहुत रिलैक्स सा लगा क्योंकि अब वो जितने 2 साल की मेहनत थी वो फाइनली ख़त्म हो गई. अब जेई वाला और पढ़ना नहीं पड़ेगा, आई मीन जेई के रिलेटेड ऑब्वियसली अब मस्ती कर सकते हैं. सो जब मैं उठा तो एग्ज़ाम सेंटर बाकी बच्चों को भी देख रहा था उठते हुए, एंड आई मीन आई डिडेंट नोटिस कि कौन स्माइल कर रहा, बट हाँ डेंस मॉल था क्योंकि पेपर टफ था. और जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमारा सेंटर आउटर में था, सो मीडिया वगैरह थी नहीं उस समय उस पास क्योंकि आउटर में था बहुत, बट बाकी सेंटर में यूजुअली मीडिया आ जाती है ये जे एडवांस के पेपर में कि पेपर कैसे गया, पेपर कैसा था, वैसा वैसा देखने. तो उसके बाद जैसे ही मैं मतलब एग्ज़ाम सेंटर के लिए मैं बाहर निकल गया. जस्ट एक और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पेपर वन और पेपर टू के बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है उसमें आप ये तो मत करिएगा कि आप पेपर डिस्कस करें, पेपर वन को डिस्कस बिल्कुल मत करिएगा और ना ही पेपर टू के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिएगा. यूजुअली उसमें आप जस्ट आते साथ 15-20 मिनट का नैप ले लीजिए, देन उसके बाद लाइट वेट लंच कर लीजिए, देन अगेन आप चाहे तो 10-15 मिनट इधर से उधर वॉकिंग करके या तो जस्ट आई क्लोज करके बैठे हैं बस, और लाइट वेट लंच लेना जरूरी. एंड प्लीज़ डोंट डिस्कस द पेपर वन और जस्ट डोंट थिंक अबाउट हाउ विल बी द पेपर टू. जस्ट इतना कन्फर्म कर लेना कि अगर तुम्हारा पेपर वन बिगड़ा है तो ये होप करना कि पेपर टू में मैं फुल लाऊंगा और पेपर वन और पेपर टू को कवर कर लूँगा. और अगर आपका पेपर वन अच्छा गया तो अब ये सोचना कि मेरे पास पेपर टू में मतलब बहुत सारी रिलैक्सेशन है क्योंकि मेरा पेपर वन अच्छा गया, तो पेपर टू अच्छा नहीं भी गया तो मेरा पेपर वन अच्छा जा चुका है. तो आप दोनों केस में आप बस रिलैक्स रहिएगा. कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, तो जैसे मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो माय सिस्टर माय ब्रदर एंड माय जीजू वाज वेटिंग फॉर मी. सो तब उन्होंने मेरे को पूछा कि एग्ज़ाम कैसा गया, एंड एग्ज़ाम अच्छा गया था इन द सेंस कि एग्ज़ाम पेपर टफ था उस सेंस में अच्छा गया था.
सो एग्ज़ाम के बाद मैंने एक घंटा वेट किया था क्योंकि मेरा ब्रदर का सेंटर दूसरे सेंटर में था. सो वो लोग आ रहे थे तो उसके बाद हम अपने होम टाउन जाने वाले थे, तब मैं एक घंटा वहीं पे था. तब उस समय मैंने जस्ट नेट में सर्च कर रहा था कि कोई कुछ वीडियो आ गई, कोई किसी की रिएक्शन वीडियो आ गई, कोई से सर ने रिव्यू वीडियो डाला कि पेपर कैसा था, या तो पेपर वन का वीडियो यूजुअली बना लेते हैं लोग इतने जल्दी क्योंकि पेपर वन 12 बजे ख़त्म हो जाते हैं. तो मैं नेट में वो सब सर्च कर रहा था बट मिल नहीं रहा था उस समय क्योंकि बहुत अर्ली था वो टाइम. तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने पूछा पेपर कैसा गया फ़ोन में कॉल में, तो पेपर अच्छा गया मैंने बोला. सो एवरीवेयर वेरी रिलैक्स्ड थे बहुत. उसके बाद आंसर की तो उस दिन तक नहीं आई थी रात तक, बट हम कुछ फ्रेंड्स से जो डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल क्वेश्चंस लोग की जो अच्छे क्वेश्चन थे या तो जिसमें हमको डाउट था, तो उससे थोड़े बहुत डाउट डिस्कस कर रहे थे. एंड एग्ज़ाम अच्छा गया था एंड कॉन्फिडेंट था कि अच्छे रैंक आ जाएंगे. और मतलब ये धीरे धीरे क्लियर होते जाते जब आपके आंसर की आती है, जब पता चलता है बाकियों ने क्या किया एंड और कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज होती है क्वेश्चंस में, तो वो जब क्लियर होने लगती है तब आपको और सियोरिटी मिलती है कि आपकी रैंक कितने लायक कितने तक जा सकती है. यस, फाइनल रिजल्ट. सो जिस दिन रिजल्ट डे था, जब हमको पता चला कि मेरी 100 रैंक आई है, मेरे भाई की 52, तब घर में बहुत बहुत खुशी का माहौल था. सब लोग इधर उधर मतलब इधर उधर फ़ोन में बातें कर रहे थे, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, टीचर्स के कॉल आ रहे थे, सब हम सबको रिजल्ट बता रहे थे कि हमारा इतना है, टीचर्स को कॉल करके एंड कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा था हर तरफ से. आफ्टर देन थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद न्यूज़ से कॉल आने लग गए थे क्योंकि हमारा टाउन जो था एंड रौनक वास उड़ीसा स्टेट टॉपर एंड आई वाज थर्ड इन द उड़ीसा स्टेट. सो उड़ीसा के जो लोकल न्यूज़ है एंड कांटावांजी के न्यूज़ है हमारे होम टाउन के, उनके कॉल आ रहे थे. सो दैट डे वाज आई मीन वेरी टायर्ड एंड बिजी बिकॉज उस समय बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, बहुत सारे कैमरा मैन एंड मीडिया वाले आए थे. एंड घर में तो बहुत ही हैप्पी माहौल था. मेरे फादर ने डायरेक्टली मतलब मिठाई के लिए ऑर्डर दे दिया था जस्ट रिजल्ट आते साथ. एंड मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट था क्योंकि जस्ट उसके बाद डिसाइड करने लगे कौन से कॉलेज जाने हैं, रौनक को आईआईटी बॉम्बे, मेरे को आईआईटी दिल्ली. यस, वेल दिस सेशन ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज फॉर मी. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन. करेक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम रैंक. नाउ यू हैव लर्न्ड हाउ आई डिड इट. So now you can test yourself by giving test series on Unacademy. You can use the code CTWT to get 10% discount on subscription. The link is in the description. I would also like to tag Awwal Amil to rewind to his exam day so that you can watch what worked for him and what did not work for him. That's the wrap for today. All the best.